दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद एसके में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोलजू देवता या गोलू देवता जी की जीवनी के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए गोलजू देवता के जीवन के बारे में कि किस तरीके से वो पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए और क्यों उनको न्याय का देवता के रूप में जाना जाता है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उसके बारे में समझा सकें। तो देखिए दोस्तों, ये गोलजू देवता जी की जो जीवनी है इसके बारे में विकिपीडिया कुछ और कहता है और हमारे उत्तराखंड की पौराणिक कथाएँ जो हैं वो कुछ और कहती हैं। तो विकिपीडिया ये कहता है कि 1628 के करीब चंद राजवंश में एक सेनापति हुआ करते थे। वो न्याय के रूप में काफ़ी जाने जाते थे और जनता के बीच में काफ़ी पॉपुलर थे। उनकी एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी और बाद में उनका मंदिर बना दिया गया था जो लोगों के द्वारा, और फिर बाद में वो आगे गोलू देवता जी के नाम से जाने लगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कत्यूरी राजवंश से। तो शुरुआत होती है कत्यूरी राजवंश के झालूराय राजा से। इनका नाम झालूराय होता है और ये कत्यूरी राजवंश के राजा होते हैं। इनकी 7 पत्नियां होती हैं। राजकाज सब कुछ सही ढंग से चल रहा होता है। जनता भी इनसे काफ़ी खुश होती है, काफ़ी उदार होते हैं और जनता के प्रति न्याय करने वाले होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस एक होती है कि इनकी 7 रानियां होने के बावजूद इनको कोई संतान प्राप्त नहीं होती है। तो इसी दुख में हमेशा डूबे रहते हैं कि आगे राजवंश कैसे चलेगा और आगे पीढ़ियां कैसे चलेगी। तो इसी दुख के चलते ये अपने राज्य ज्योतिष को बुलाते हैं अपने पास और उनसे कहते हैं कि भाई तुम तो सब जानते ही हो, अब कुछ हो सकता है, संतान प्राप्ति का कोई रास्ता हो तो ये बताओ। तो ज्योतिष कहते हैं महाराज हमारे बस का तो कुछ है नहीं, अब ऐसा करिए आप भगवान भैरव जी की तपस्या करिए, उनकी पूजा पाठ करिए, अगर भगवान भैरव जी आपसे खुश हो जाते हैं तो फिर आप जो चाहें वो मांग लीजिए, वो दे देंगे आपको। तो ठीक है, ऑप्शन इनके पास था नहीं झालूराय के पास, तो ये शुरू कर देते हैं भगवान भैरव जी की तपस्या। तो तपस्या करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक रात को इनके सपने में भगवान भैरव जी प्रकट हो जाते हैं और ये काफ़ी खुश हो जाते हैं झालूराय जब भगवान भैरव जी इनके सपने में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान भैरव जी इनसे कहते हैं भाई झालूराम हम तुमसे बहुत खुश हुए, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि भाई तुम्हारे नसीब में कोई संतान नहीं लिखी है। ठीक है, लेकिन अब तुम मेरी इतनी तपस्या कर रहे हो, अब सच्चे दिल से मेरी पूजा कर रहे हो, तो ऐसा करते हैं तुम 8वीं शादी करो और 8वीं शादी जब तुम करोगे तो मैं खुद तुम्हारी संतान के रूप में तुम्हारी 8वीं रानी के गर्भ से जन्म ले लूँगा। ठीक है, तो झालूराम कहते हैं कि भाई 7 शादी तो मैंने कर ली है, अब 8वीं रानी कहाँ से लाऊँ, 8वीं रानी कौन होगी, अब अगर आप मेरी पत्नी के गर्भ से पैदा हो रहे हैं तो रानी भी कुछ खास ही होनी चाहिए, तो आप ही बताइए कि अब मेरे को किसको अपनी रानी बनाना चाहिए। तो भगवान भैरव जी कहते हैं कि भाई वेट कर, इतनी जल्दी भी क्या है, तो वो चले जाते हैं। ठीक है, तो भगवान भैरव जी के जाने के बाद झालूराय जी जो होते हैं तो महाराज कर रहे होते हैं वेट कि हमें किसी तरीके से अपनी 8वीं रानी मिल जाए और हम उसके साथ बच्चा पैदा करें और आगे वंश बढ़ाएं। तो वेट करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है और कुछ होता नहीं है। तो एक दिन ये महाराज झालूराय जो है वो शिकार पर निकल पड़ते हैं और शिकार करते करते उस दिन ये काफ़ी थक जाते हैं और इन्हें पानी की प्यास भी लग रही होती है। तो ये अपने सैनिकों से कहते हैं कि भैया जाओ पानी लेके आओ हमारे लिए। तो इनके सैनिक जाते हैं जंगल में पानी लेने के लिए। तो काफ़ी देर हो जाती है और इनके सैनिक लौटते नहीं हैं वापस। तो इन्हें भी टेंशन होने लगती है कि भैया गए तो गए कहाँ सैनिक। तो ये खुद अपने सैनिकों को ढूंढने चले जाते हैं जंगल में और देखते हैं कि जंगल के पास एक तालाब के पास ये इनके सैनिक जो हैं चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और इन्हें प्यास भी लग रही होती है। तो ये थोड़ी देर बाद जब ये देखते हैं तो तालाब की ओर जाते हैं, वहाँ अपना हाथ बढ़ाते हैं तालाब की ओर पानी पीने के लिए, तभी एक आवाज़ आती है रुको रुको। आवाज़ सुनते ही इनका हाथ जो है पीछे हट जाता है और पीछे से एक और आवाज़ आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब में पानी पीने की हमसे बिना पूछे। तो ये तो होते हैं राजा, ये पीछे मुड़ते हैं और पीछे देखते हैं कि एक सुंदर सी एक लड़की खड़ी है
सुंदर सी एक महिला खड़ी है इनके पीछे। तो ये देखते ही एकदम बहुत खुश हो जाते हैं उसको देख के, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एकदम लट्टू हो जाते हैं उस लड़की के ऊपर। तो लड़की से कहते हैं कि भैया हम इस राज्य के राजा हैं, झालू राय हमारा नाम है और कत्यूरी राजवंश के हैं हम, और ये सब कुछ, ये तालाब, ये जंगल, ये सब हमारे ही राज्य के अंदर आता है। तो लड़की का नाम होता है मंगला, सॉरी कलिंगा नाम होता है लड़की का। तो कलिंगा पूछती है कि भैया तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का कि तुम ही राजा हो इस राज्य, मतलब इस जंगल के, इस तालाब के, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम कत्यूरी राजवंश के राजा हो और तुम्हारा नाम जालू राय है? तो राजा एकदम हैरान हो जाता है कि भैया अब आईडी कार्ड तो उस टाइम पे चलते नहीं थे कि अब आईडी कार्ड दिखा दें और पता चल जाए कि हाँ हम ही हैं। तो राजा कहते हैं कि भाई तुम बताओ कि हम कैसे साबित करें कि हम राजा हैं, ठीक है? तो कलिंगा कहती है कि भाई वो देखो दो भैंसें आपस में लड़ रही हैं, तुम अगर राजा हो तो तुम बलशाली भी होगे, शक्तिशाली भी होगे, तुम जाओ और उन लड़ती हुई बैलों को छुड़ा लो, तब हम मानेंगे कि तुम ही राजा हो। तो महाराज तो एकदम घबरा जाते हैं उन बैलों को देख के। तो महाराज कहते हैं कि भाई हमारे बस का तो नहीं है, हम हार मान लेते हैं। तो कलिंगा तुरंत जाती है और उन बैलों के सींग पकड़ती है और उनको छुड़ा देती है। इसे देख के महाराज जो है जरा जालू राय वो काफ़ी जो है शॉक्ड हो जाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो उसी टाइम पे अपने दिमाग में डिसाइड कर लेते हैं कि भैया अभी आठवीं रानी तो हम इसी को डिसाइड करेंगे अपनी। तो जो वो कलिंगा होती है वो होती है पंचदेवताओं की बहन। तो ये पंचदेवताओं के पास जाते हैं और पंचदेवता जो होते हैं वो उनको पहले से जानते होते हैं कि भाई कत्यूरी राजवंश के जालू राय का नाम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको भी पता होता है पंचदेवताओं को। तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि भाई, और खुशी खुशी अपनी बहन का हाथ जो है जालू राय के हाथ में दे देते हैं। तो ऐसे करके कलिंगा के साथ महाराज की शादी हो जाती है और कुछ समय बाद कलिंगा प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब बच्चा पैदा ही होने वाला होता है तो जो इनकी सात रानियाँ होती है, महाराज की पहली सात रानियाँ, उनको काफ़ी दुख पहुँचता है और वो काफ़ी जलन और ईर्ष्या से भर जाती है और वो काफ़ी, मतलब काफ़ी बुरा सोचने लगती है कलिंगा के बारे में। तो वो एक प्लान बनाती है, वो जाती है कलिंगा के पास वो सातों रानियाँ। वो कलिंगा से कहती है कि हम ज्योतिष से पता करके आए हैं कि अगर तुमने अपने प्रसव के वक्त अपने बच्चे को देख लिया तो बच्चा जो है वो मर जाएगा और काफ़ी संकट जो है आ जाएंगे। तो कलिंगा बेचारी जंगल की एक भोली भाली सी कन्या होती है तो वो उनकी बातों में आ जाती है। तो प्रसव के दौरान जब प्रसव हो रहा होता है उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और जब बच्चा पैदा होता है तो ये सातों रानियाँ ये करती है कि उस बच्चे को उठा के गौशाला में फेंक देती है ताकि गौशाला में गाय के पाँव के नीचे आके वो मर जाए। और दूसरी तरफ जो कलिंगा होती है, कलिंगा की पट्टी खोली जाती है उसके प्रसव के बाद और उसे कहा जाता है कि आपने जो है सिलबट्टे को पैदा किया है, यानी सिलबट्टे को जन्म दिया है। वो सिलबट्टा जो कि मसाले पीसे जाते हैं आप जानते होंगे उसे, हाँ, तो उसी तरीके से वो बताती है कलिंगा को कि आपने इस पत्थर को जन्म दिया है। तो कलिंगा काफ़ी दुख होता है, कलिंगा को, महाराज भी काफ़ी दुखी होते हैं। और दूसरी तरफ बच्चे को गौशाला में फेंकवा दिया जाता है। तो बच्चा तो काफ़ी चमत्कारी होता है तो बच्चा जो है बच जाता है और उल्टा जो है बच्चा वहाँ गौशाला में गाय उसको दूध पिला रही होती है। तो ये देख के वो सातों रानियों को और ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो बच्चे को पकड़ती है और नमक के बोरे में डाल देती है। तो और नमक के बोरे में जैसे ही वो बच्चे को डालती है जो नमक का बोरा होता है वह शक्कर के बोरे में कन्वर्ट हो जाता है और शक्कर के बोरे में कन्वर्ट हो जाता है तो रानी को और ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो रानियाँ उसको पकड़ती है बच्चे को और एक लोहे के बक्से में बंद करती है और नदी में फेंकवा देती है। और नदी में फेंकवाने के बाद वो बक्सा काली नदी में फेंकवाया जाता है जो कि सात दिन और सात रात तक बहता ही रहता है, ठीक है? और सात दिन और सात रात में बहने के बाद वो गोराहाट नामक प्लेस में पहुंचता है बक्सा, जहाँ पर एक मछुआरा मछली मार रहा होता है, अपना जाल फैलाया होता है उसने। तो अचानक उसके बक्से में वो उसके जाल में वो बक्सा फंसता है और मछुआरा देखता है बक्से के अंदर एक बच्चा कैद है जो कि जिंदा है, ठीक है? तो मछुआरा जो होता है वो भी एक निसंतान ही होता है, उसकी भी कोई औलाद नहीं होती है। तो वो काफ़ी खुश हो जाता है इसको देख के, वो ईश्वर का उपहार इसको समझता है और अपने घर ले जाता है। तो घर ले जाता है उस बच्चे को, काफ़ी अच्छे तरीके से उसे पालता है, उसकी परवरिश करता है,
वो काफ़ी गरीब होता है मछुआरा, तो फिर भी उसको वो कमी महसूस नहीं होने देता है। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको उसके सपने में जो कि पुरानी घटनाएं जो होती है, जिस तरीके से उसे फिकवाया होता है और जिस तरीके से उसकी माँ के साथ षड्यंत्र करा होता है, वो उसको सब याद आने लगता है उसके सपने के थ्रू, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो अपने पिताजी से कहता है कि भाई मुझे एक घोड़ा चाहिए। तो उसके पिताजी जो हैं उससे काफ़ी प्यार करते हैं, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, तो वो ऐसा करते हैं वो उसके लिए लकड़ी का घोड़ा ले आते हैं। काफ़ी गरीब होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते घोड़ा, तो उसके लिए वो लकड़ी का घोड़ा ले आते हैं। और वो इस लकड़ी के घोड़े को, जो बच्चा होता है लकड़ी के घोड़े को इस तरीके से यूज़ करता है जैसे कि वो रियल घोड़ा हो। वो काफ़ी सैर पे जाते थे उसी घोड़े के साथ, क्योंकि खुद चमत्कारी थे हमारे गोलजू देवता जी। तो एक दिन घोड़े में सैर करते करते ये उस जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनकी सात जो हैं सौतेली माएँ, जो कि सात रानियाँ होती हैं महाराज की, पानी भर रही होती हैं उस कुएँ में। तो ये जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि साई ढटिया आप, मेरे घोड़े को प्यास लगी है और इसे पानी पीना है। तो उनकी रानियाँ ये देख के, उनकी जो रानियाँ होती है राजा की, वो ये कहती है, वो हंसने लगती है उसके ऊपर, उसका मजाक बनाने लगती है कि भाई लकड़ी के घोड़ा कभी कभी पानी पीता है। तो एकदम एक झटके से ये इनके मुँह से निकलता है, जो गोलू देवता जी जो होते हैं उनके मुँह से ये निकलता है कि भाई अगर एक औरत अगर सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो एक लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है, ठीक है। तो ये सुन के जो है इनकी सात रानियाँ जो होती है एकदम शॉक्ड हो जाता है, उनको एकदम सदमे में पहुंच जाती है और एक झटके से वहां से एकदम रफू चक्कर हो जाती है, भाग जाती है वहां से। और राजमहल जाके अपने राजा से ये कहती है कि इस लड़के ने हमारे साथ काफ़ी बदतमीजी करी है, आप जाइए इसको पकड़ के, आप सैनिक भेजिए और इसको पकड़ के जो है कारागार में डालिए। तो राजा को भी काफ़ी गुस्सा आता है, राजा भेजता अपने सैनिकों को उस लड़के को बुलाने के लिए। तो लड़का जैसे ही दरबार में आता है तो लड़का सब कुछ बता देता है जो कि उसने सपने में देखा होता है, सिलबट्टा और संदूक ये सब। तो वो ये कहता है कि मेरी माँ जो है वो कलिंगा है और मुझे मछुआरों ने पैदा पाल पोस के बड़ा किया है और सारी कहानियाँ बता देता है। ये सुन के उसकी माँ जो होती है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, जो उसकी माँ जो होती है रियल माँ, वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और काफ़ी उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और राजा को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी इस बात से मिलती है। और साथ ही साथ फिर राजा उसके बाद उसकी सात रानियाँ जो होती है उनको कैद कर लेता है, उनको मतलब डाल देता है जेल में। और उसके बाद ये गोलजू देवता जो हैं ये राजकुमार की ज़िंदगी जीते हैं और आगे जाके राजा बनते हैं। और ये उन्हीं इसी के बाद इनकी कहानी शुरू होती है कि ये न्याय के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। उसके बाद ये काफ़ी लोगों के साथ न्याय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अदालतें लोक अदालतों में शामिल होते हैं और इसीलिए इनको न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारे गोलजू देवता जी की बायोग्राफी, आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। और इनके जो मेन टेम्पल हैं वो है एक चितई टेम्पल जो कि अल्मोड़ा में है, इसे ग्वाल टेम्पल भी कहते हैं। और दूसरा टेम्पल जो है ये एक चंपावत का टेम्पल है, जो सबसे पुराना इनका टेम्पल है, सबसे पुराना मंदिर है चंपावत में। और एक घोड़ाखाल का मंदिर है, वो तो आपने सुना ही होगा, जो घोड़ाखाल वाला मंदिर है जो कि बाज बहादुर चंद ने बनवाया था बाद में। तो ये तीनों मंदिर जो हैं वो गोलजू देवता से रिलेट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई होगी ये वीडियो तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं, टेक केयर।